नमस्कार, स्वागत है आपका खेल गड्ढा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश का मुकाबला मंगलवार को यानी कि आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड कप को उठाकर देखेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के पास प्लेयर हैं, चाहे बाबर आजम हैं, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, और चाहे उनके अच्छे बॉलर हारिस रऊफ हों या शाहीन अफरीदी हों, जितनी उम्मीद थी पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के प्रशंसकों को, उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसके चलते उनके ऊपर आज वो अगर मैच हारते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के रेस से बाहर कर लेंगे। अगर बात की जाए जो उनका प्रदर्शन है टीम के मुताबिक, वो प्रदर्शन नहीं कर सके और इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। यानी कि आप बात करेंगे, हर एक प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर ब्लेम लगाता पड़ रहा है। यानी कि आप देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ मैच में प्रदर्शन को बेहतर करने उतरेंगे पाकिस्तान की टीम। आज लगातार 4 मैच हारकर पाकिस्तान ने खुद को सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करके वह लगातार 4 मैचों में अपने हार के क्रम को तोड़ने का प्रयास करेगा। विश्व कप 2023 में पाकिस्तान से भी बुरा हाल रहा है बांग्लादेश का। शाकिब अल हसन की अगुवाई वाली टीम ने 6 में सिर्फ 1 मुकाबला जीता है। यानी कि करो या मरो के इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी। पाकिस्तान के 4 अंक हैं और वह अब अधिकतम 6 अंक और जुटा सकता है, जिससे लीग चरण के बाद उसके अधिकतम 10 अंक हो सकते हैं। 2 टीम पहले ही 10 या उससे अधिक अंक जुटा सकी हैं, जबकि इसके अलावा 3 और टीम पाकिस्तान के आगे हैं, जिसमें उसका सेमीफाइनल में जगह बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बांग्लादेश की टीम लगातार 5 मैच हार चुकी है। टीम के 6 में से सिर्फ 1 जीत है, यानी कि 2 अंक हैं, और 10 टीम की तालिका में भी वो 9वें स्थान पर चल रहे हैं। अगर बात की जाए बांग्लादेश अगर आज हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगा, क्योंकि उनके खाते में फिर 7 मैच और 2 ही अंक होंगे। वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट टेबल में पाकिस्तान 7वें और बांग्लादेश 9वें पायदान पर है। अगर बात की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीमों के लिए आज का मैच अहम हो रहने वाला है। ऐसे में दोनों टीमें अभी आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप से बाहर नहीं है, मगर आज किसी एक टीम के नाम के आगे ई यानी कि एलिमिनेट का मार्क लग सकता है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है, चाहे बाबर आजम की बात कर लें, चाहे शादाब खान, चाहे फखर जमा या इमाम उल हक की बात कर लें, और जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने इस वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में जो शतक लगाया था, उससे पाकिस्तान की टीम को काफ़ी उम्मीद होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे पीछे मुड़कर जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से हारती है, और वो मैच ऐसा मैच था जिसमें लोग बोलते हैं कि रोंगटे खड़ा कर देने वाला मैच। मात्र 4 रनों की दरकार थी, केशव महाराज बैटिंग कर रहे थे जो कि पुछल्ले बल्लेबाज माने जाते हैं साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने चौका जड़कर वो मैच अपने नाम किया था, जिसके चलते साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल के रेस में लगभग उनका जाना तय हो गया। और वहीं अगर बात की जाए इनके बॉलरों की, चाहे हम बात कर लें हारिस रऊफ जिसके पास अच्छा पेस है, या फिर हम बात कर लें हसन अली, या बात कर लें शाहीन अफरीदी की, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं पूरी टीम के पास अच्छी टीम है, एक बैलेंस टीम है, लेकिन उसके बाद भी ये टीम कहीं ना कहीं अपने आप को बिखरते हुए पा रही है। यानी कि जो एकजुटता का जो परफॉर्मेंस होता है, एकजुट से जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके अंदर भी वो काबिलियत नहीं देखी है। वहीं अगर बात की जाए मोहम्मद वसीम जूनियर की जो टीम में वापसी हुई है, इसके पहले मैच में उन्होंने 4 सफलताएं अपने नाम की थी, लेकिन वो 4 सफलताएं पाकिस्तान की हार को टाल ना सके। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे बांग्लादेश की, तो शाकिब अल हसन से सबको एक अच्छी उम्मीद रहती है, लिटिन दास से सबको अच्छी उम्मीद रहती है, हालांकि शाकिब अल हसन इस पूरे टूर्नामेंट में वो कारनामा नहीं कर सके जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बात अगर शाकिब की आती है तो शाकिब एक अच्छे ऑलराउंडर है, और वो ऑलराउंडर विश्व स्तर का ऑलराउंडर है। अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम में केवल एक बल्लेबाज जिसका आप नाम लेना चाहेंगे तो है महमूदुल्ला, जिन्होंने हर मैच में ये दिखाया है कि उनके अंदर जो जब्बा है वो टीम को जिता सकते हैं अगर किसी का साथ मिले तो। यानी कि दोनों टीमों में अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम में जो उनके विकेट कीपर हैं, चाहे हम बात कर लें बाबर आजम की, चाहे हम बात कर लें मोहम्मद रिजवान की, हालांकि इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान ने दर्शकों को, अपने टीम को, टीम मैनेजमेंट को कुछ भरोसा जरूर दिलाया है, क्योंकि जो उनके पास स्पिन को खेलने की क्षमता है, जिस तरीके से वो स्कूप शॉट मारते हैं, जिस तरीके से कब ड्राइव मारते हैं, उससे कुछ न कुछ टीम सुरक्षित हाथों में दिखी। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से बाबर आजम का आउट होने के बाद, शफीक के आउट होने के बाद पूरी टीम जिस तरीके से बिगड़ती है, इस पे टीम को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। जिस तरीके से उनके पास उसामा मीर को भी शामिल किया गया, लेकिन उसामा मीर भी वो करिश्मा नहीं दिखा पाए। जिस तरीके से उनके पास आप ये भी देखेंगे मोहम्मद नवाज एक अच्छा ऑलराउंडर हैं,
और इफ्तिकार अहमद जो बड़े हिट लगाते हैं और 20 ओवर में आकर विकेट भी चटकाते हैं, आज पाकिस्तान की टीम को उनसे उम्मीद होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं आज का मैच जो टीम हारा उसके सामने ई यानी एंड लग जाएगा और वो सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।